स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, कैसे स्क्वायर रूट क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स को निकालना मेथड। अभी स्क्वायर रूट्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ये है 324 और 900, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको कैसे निकालेंगे वो आज हम देख रहे हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम क्या होता है एक्चुअली, पहले ये समझना हमारा जरूरी है। तो प्राइम क्या होता है, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो केवल या तो खुद से डिवाइड होते हो या तो वन से डिवाइड होते हो, इट मीन्स या तो वो वन के टेबल में आते हो या वो खुद के टेबल में आते हो, ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हम ऐसे नंबर्स से कैसे इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक मेथड है, जैसे हम इसका निकाल रहे हैं ओके 324 का, इसका निकालने के लिए क्या मेथड है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे। अब ये इवन नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है, फोर है, तो ये इवन नंबर हुआ तो हम इवन नंबर टू से इसे डिवाइड कर सकते हैं, टू वन जेड टू वन रिमाइंडर रहा, जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड डिवाइड करते हैं ना, ऐसे 324 को डिवाइड किया टू से तो टू वन जा टू, फिर माइनस किया वन बचा ये नीचे गया, टू सिक्स जा ट्वेल्व ये जीरो, ये फोर यहाँ उतारा, टू टू जा फोर ये पूरा गया क्रॉस हो गया। इसी मेथड से हम ये डिवाइड कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे टू वन जा टू वन बचा यहाँ हो गया ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, नाउ फिर से ये इवन नंबर है, टू एट जा सिक्सटीन, टू वन जा टू, नाउ ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आप थ्री से चेक करते हैं, थ्री ऑल्सो ऑड नंबर, थ्री टू जा सिक्स, टू रिमाइंडर बचा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। कहां तक हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, जब तक कि नीचे लास्ट में वन ना आ जाए ओके। जब लास्ट में वन आता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में अगर वन आ जाता है तो हम इन सारे जितने फैक्टर निकले उनको यहां पर इसके अंदर लिख लेंगे, टू इंटू टू, टू इंटू टू, ये सारे के सारे नंबर ओके, ये इतना सारा पोर्शन, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ओके, ये सारे निकाले हमने। नाउ दिस वन इज टू, दिस वन इज, मतलब कहने का मतलब है ये टू का पेयर, थ्री का पेयर, थ्री का पेयर, हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में जो टू टाइम होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है ना, ये ऐसे यहाँ पर टू ना भी लिखे तो चलेगा, टू लिखे तो ओके। नाउ टू, एक टू बाहर आया, थ्री बाहर आया, यहाँ से ये थ्री बाहर आया, थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, इसमें इट मीन्स एटीन क्या है, ये 324 का स्क्वायर रूट है ओके, समझ में आया क्या कह रही हूँ। अब नाउ ऐसे ही हम क्या करेंगे, 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो 900 इवन नंबर है, कैसा नंबर है 900, इवन नंबर है, अगर 900 इवन नंबर है तो हम 900 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, करेंगे ना, 900 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 5 जा 10 ओके, नाउ दैट 2 0 जा 0, नाउ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, नाउ दिस वन इज ऑड नंबर ओके, ऑड नंबर है। देखो आपको मैंने वो पहले शायद सिखाई नहीं होगी, वैसे भी नॉर्मल आप देख लो ये थ्री से डिवाइड होता है, थ्री से वो नंबर डिवाइड हो जाता है, वो ऑड नंबर या इवन नंबर थ्री से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर्स को ऐड करने पर, ऐड करने पर जो नंबर आए वो थ्री से डिवाइड हो जाता है, फाइव प्लस टू सेवन प्लस टू नाइन, थ्री से नाइन डिवाइड हो जाता है, थ्री से नंबर डिवाइड हो जाएगा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, नाउ अगेन थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, नाउ अगेन फाइव वन सॉरी नाउ ये फाइव से डिवाइड होगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव वन जा फाइव ओके। नाउ ऐसे करेंगे हम लोग, अब क्या होगा इसके बाद, जितने भी यहाँ पर आए नंबर उन सबको यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, अब जो पेयर है वो पेयर एक एक करके
दो में से एक बाहर आ जाएगा, टू आया यहाँ से थ्री और इधर से फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टी, यानी कि जो 900 है वो 30, 900 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। अंडरस्टैंड, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हुआ, हमने नॉर्मल प्राइम नंबर से इसको फैक्टर किए, डिवाइड किया, जो प्राइम नंबर से हमने डिवाइड किया वो सारे नंबर रूट के अंदर लिखे और रूट के अंदर लिखे और पेयर जो बन रहा है उनमें से एक बाहर ले लिया तो वो आंसर आ गया। अब एक थोड़ा सा, ये तो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड था, अगर हमें दो तीन नंबर गिवन हो, जैसे अगर टू नंबर भी हमें गिवन होता है तो हम उनको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज, सॉरी ये स्क्वायर रूट का नहीं है, स्क्वायर का है, विच इज डिवाइजेबल बाय थ्री, सॉरी एट, ट्वेल्व एंड फिफ्टीन। इसमें क्या हो रहा है, देखो स्क्वायर वाले चैप्टर से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एक ऐसा चैप्टर है जो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर बाई चांस हमें नंबर दिया है 8, 12 और 15, तो हमने पूछा इसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा जो इन तीनों से ही डिवाइड होगा। अब इन तीनों से ही वो नंबर डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो क्या होगा, वो नंबर से छोटा नंबर तो इन तीनों के टेबल में आता नहीं होगा कॉमन, तो उससे बड़ा ही नंबर आता होगा। अगर वो नंबर जो इनका एलसीएम निकलेगा वो नंबर स्क्वायर है, इट मीन्स वही आंसर होगा। अगर वो स्क्वायर नहीं है किसी का तो हम उसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ही वो उसका हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर निकलेगा। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया जाता है इसलिए। ओके, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऐसे लिख दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ये नहीं होगा ऐसे लिख दिया, नाउ 2 1 जा 2 ये 3 भी नहीं होगा डिवाइड तो ऐसे लिख दिया, अब नाउ 3 ये 1 का 1 रहा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, नाउ 5 बचा 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5 1 जा 5। अब ये इनको पहले एक बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो ये एक पेयर बना, इसका कोई पेयर नहीं, इसका कोई पेयर नहीं, इसका कोई पेयर नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आने वाला है ये इन तीनों के मल्टीपल में तो होगा, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या निकला आंसर देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा, या ऐसे पढ़ लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 5 3 जा 15, ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, 15 8 से क्या होता है, 120 होता है। ओके, तो वैसे भी हमें पता चल रहा है 120 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका एक पेयर चाहिए, इसका भी एक पेयर चाहिए, इसका भी एक नंबर चाहिए पेयर बनाने के लिए। इट मीन्स अगर हम इस पूरे नंबर को, इट मीन्स ये 120 को मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाने वाला है, ये एक स्क्वायर नंबर बन जाने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर इसके साथ होगा तो ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, यानी कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, तो वही सेम है, 5 3 जा 15, 2 जा 15, 2 जा 30, इट मीन्स 0 0 0 0, 12 3 जा 36, यानी कि 36 क्या है, 3600 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3600 हमें चाहिए। वो नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, जो तीनों के टेबल में आएगा, 8, 12 और 15 के जो तीनों के टेबल में आए और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, वो नंबर क्या होगा, 3600। आप देखते हैं 3600 किसका स्क्वायर है, या 3600
600 का स्क्वायर रूट क्या है? क्या है स्क्वायर रूट? वही दोनों में से कॉमन निकालेंगे, टू इन टू में से ये टू आ गया, इन दो थ्री में से ये थ्री आ गया, इन दो फाइव में से ये फाइव आ गया, यही तो हुआ ना। टू टू जा फोर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी, यानी कि 63,600 का स्क्वायर रूट है। तो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे निकाला? इन तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, मतलब दो दो पेयर के फॉर्म में निकल रहे हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा वही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं है तो जिनके पेयर नहीं है उनको पेयर बनाओ, जो पेयर बना रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हम लिख सकते हैं 3600 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो छोटा सा छोटा स्क्वायर नंबर है जो 8, 12 और 15 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिले। ओके, थैंक यू सो मच।